हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, बीम रिइंफोर्समेंट के बारे में, कंटिन्यूस बीम के बारे में। ओके, ये हमारा कंटिन्यूस बीम है, आप देख सकते हो। इसके बारे में हम आप डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मेरे स्लैब में वन वे स्लैब, टू वे स्लैब के ऊपर और कॉलम्स के ऊपर वीडियोस बनाए। आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की है। जो भी थंब रूल्स होते हैं एज ए साइट इंजीनियर आपको, वो हमने इजी तरह इजी वे में आपके लिए डिस्कस किए हैं मैंने। अगर आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिए है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कंटिन्यूस बीम के बारे में। ओके, जो भी हमारा कंटिन्यूस बीम है, हमारे थ्री कॉलम से ऊपर डिपेंड है, C1, C2 और उसके बाद C3। एक्चुअल में ये हमारा जो बीम कंटिन्यूस बीम है, आप देख सकते हो यहाँ पर राइट सपोर्ट, यहाँ पर लेफ्ट सपोर्ट। ओके, कॉलम के जो लेफ्ट सपोर्ट है, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड रेनफोर्समेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट साइड कॉलम सपोर्ट के रेनफोर्समेंट के बारे में। यहाँ पर L/4 और बीच में आपको देनी है कर्टेलमेंट L/, जो भी हमारा स्पैन है उससे L/2 के। ओके, यानी कि L/2 करने हैं यहाँ से L/2। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंडिंग तक देखना है, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ सिविल इंजीनियर के बारे में थंब रूल्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको डेली यूज़ में आएंगे साइट पे। ओके, जो कि थंब रूल्स है आपके लिए वर्किंग में, एग्जीक्यूशन में आपको इस्तेमाल होंगे, उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस बताऊँगा वीडियो के एंडिंग में। तो वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और थंब रूल देखना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, जो कि मैं आपको एंडिंग में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना, एज ए साइट इंजीनियर ये वीडियो ज़रूर आपके काम आएगा कुछ ना कुछ। अगर आपने यहाँ पर देखा, जो कि हमारा एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट है, यहाँ पर कॉलम के एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट और एक्स्ट्रा राइट सपोर्ट है, ये हमारा L/4 रहता है गाइस, जो कि हम कर्टलमेंट प्रोवाइड करते हैं इसमें। ये जो बेसिक चीज़ है आपको याद रखनी चाहिए गाइस। यहाँ पर हमारा एंकरेज बार है, डेवलपमेंट लेंथ, इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। ये यहाँ पर एंकरेज बार है, जो कि डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं इसको, LD, यहाँ पर LD होने वाला है, जो कि डेवलपमेंट लेंथ है। यहाँ पर हमारा 300 mm का कॉलम है, विंटे कॉलम की, उसका हाफ किया तो 0.25 0.15 L। ओके, उसके बाद जो भी हमारी L/4 है, भी यहाँ पर L/4 और बीच में L/2 का हमको कर्टेलमेंट देना है गाइस। कर्टेलमेंट यानी कि देखेंगे हम, कर्टेलमेंट यानी कि आपको जो भी बॉटम में रेनफोर्समेंट है, यहाँ पर L/2 डिस्टेंस पे, यहाँ पर जो भी स्पैन है हमारा, अगर स्पैन हमारा 4 मीटर हुआ तो इसका जो L/2 यानी कि 2 मीटर का आपको कर्टेलमेंट प्रोवाइड करना है बीच में, और ऊपर हमारा L/4 यानी कि 1 मीटर यहाँ पर, 1 मीटर यहाँ पर, 1, 2 और 1, या ऐसे करके 4 मीटर में आपको कर्टेलमेंट और एक्स्ट्रा बॉटम, एक्स्ट्रा आपको लेफ्ट सपोर्ट एंड राइट सपोर्ट की रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर आता है, जो कि यहाँ पर हमारी 0 बेंडिंग मोमेंट रहती है, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर 0 रहती है, इसलिए आपको ये वाला सेक्शन यहाँ पर रहता है, ऐसी कंडीशन यहाँ पर मिलती है गाइस। तो एज ए साइट इंजीनियर ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो कि आपको सिलेबस में या फिर स्टडी में पढ़ाई गई होगी कॉलेज में। अगर आप एक्सेल शीट में देखोगे तो यह पर हमारा पूरा बीम है, डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस बीम है, सॉरी, ये हमारे टॉप बार है, बीच में हमारे वेब बार है और बॉटम बार है, बॉटम में यह हमारा L1 L2 और इसका व्यू दिया। और उसके बाद हम देखेंगे जो कि हमारा, बस आपको इंटर करना है वैल्यू यहाँ पर,
जो कि हमारे बीम साइज से 5 मीटर पर 5 मीटर, उसमें जो भी डेप्थ थे हमारे बीम की 300 mm, उसके बाद विड्थ थे 200 mm, उसके बाद इंटर कॉलम विड्थ मैक्सिमम कॉलम की विड्थ 300 mm प्लेन में, यानी कि 0.30 मीटर। तो ये रेडीमेड एक्सेल सीट आपको चाहिए तो प्लीज़ अपना मेल आईडी लिख देना मेल बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स में हमारे, आपको ये एक्सेल सीट मिल जाएगी गाइस। बस आपको वैल्यू एंटर करके आपको ये पूरा सेक्शन आपको मिल डिज़ाइन एज अ डिज़ाइन सेक्शन मिल जाएगा गाइस। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, जो कि यहाँ पर लिखा है पुट 0 इफ़ वेब बार आर नॉट एप्लीकेबल। अगर आपका बीम साइज छोटी है, यानी कि बीम छोटा है आपका डेप बीम की, तो आपको वेब बार प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर 0 टाइप करना है यहाँ पर वेब बार में, तो 0 टाइप करके आपको ये पूरा सेक्शन डिज़ाइन हो जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल टॉप बार हम लिए कंटिन्यूस बार 2, नॉन कंटिन्यूस बार 1, उसके साइज ऑफ बार 12 mm 5 बार है, डायमीटर है 12 mm 5 बार, बॉटम एंड टॉप, यानी कि आपका ये जो 12 mm 5 बार है 12 12, और बीच में हमारा 10 mm 5 बार है जो कि यूएफ बार बोलते हैं इसको, ये बीच में का हमारा डायमीटर है कम होना चाहिए 5 में डायमीटर में। फिर बाद में आता है हमारा स्टीरअप की, जो कि हमारे टाई या फिर स्टीरअप बोलते हैं इसको, कॉलम में टाइज बोलते रिंग्स लिंक्स बोलते कॉलम में, और यहाँ पर स्टीरअप बोलते हम, जो कि स्टीरअप स्पेसिंग होती है गाइस, हमने हर बार हर वीडियो में डिस्कस किया है। स्पेसिंग जो हमारे स्टीरअप्स की होती है कॉलम जोन में ज़्यादा स्पेसिंग नहीं रहती है, डिस्टेंस कम होता है इसका, क्लोजली स्पेस्ड होती है, और बीच में सपोर्ट जो हमारा L/2 का स्पेसिंग सेक्शन है वहाँ पर स्पेसिंग हम ज़्यादा देते, यानी कि आप यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा देते हैं दो स्टीरअप्स के बीच में, तो इसको हम नॉमिनल और डिज़ायर मिक्सिंग करते हैं, नॉमिनल स्टीरअप स्पेसिंग और डिज़ाइन स्पेसिंग। आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की है। नॉमिनल आपकी होती है ये वाली आउटसाइड की, और डिज़ाइन हमारी नियर बाय होती है सेंटर की। ओके, आप इस एक्सेल सीट पे देखोगे तो ये वाली हमारी स्टीरअप बार की डायमीटर लिखनी है आपको 10 या 8 mm 5 बार, और उसके बाद आपको स्पेसिंग एंटर करनी है 200 mm 150 mm जो भी आपको एंटर करनी होगी। उसके बाद आपको डिज़ाइन सेक्शन जो भी उसका जो भी रेडी कंडीशन आपको मिलेगा, यहाँ पर 5 of 6 meter लेंथ डिफॉर्म बार रिक्वायर्ड एज कंटिन्यूस बार, 6 meter की लेंथ के आपको कितने बार चाहिए होगा आपको ये कैलकुलेट करके देगा, 4 नंबर चाहिए आपको, जो कि आपका जो भी 10 mm 12 mm 5 बार है उसके ऊपर डिपेंड हो। उसके बाद वेब बार का भी डिज़ाइन किया है, आपको वेब बार चाहिए तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और डिफॉर्म बार रिक्वायर्ड एज नॉन कंटिन्यूस बार, नॉन कंटिन्यूस यानी कि ए बार हमारे जो भी नॉन कंटिन्यूस है। इसमें आपको दो टाइप्स के बार मिलेंगे, एक तो कंटिन्यूस बार यानी कि आपका जो स्ट्रेट बार है कंटिन्यू इस साइड से इस साइड एंडिंग तक जाएगा, और ऊपर भी हमारा जो कंटिन्यूस बार है वो एंडिंग तक कंटिन्यू में जाएगा। उसके बाद डिसकंटिन्यूस बार बोले तो नॉन कंटिन्यूस बार आपको दिखाई देगा, ये बीच में जो भी कर्टेलमेंट है या फिर हमारा टॉप एक्स्ट्रा टॉप रेनफोर्समेंट और एक्स्ट्रा राइट और लेफ्ट सपोर्ट के लिए जो भी रेनफोर्समेंट है वो है हमारा, यहाँ पर भी L/4 होना चाहिए दोनों साइड में, L/4 L/4 आपने इसका एडिशन करके आपको ये सपोर्ट के ऊपर बार डालना है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक सिविल इंजीनियर को, ये बातें आनी ही चाहिए गाइज। तो ये तो हुआ हमारा पूरा कॉलम और बीम्स का, कंटिन्यूस बीम का डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप जानते हो तो अच्छा है, मगर नहीं जानते तो आप बहुत सारी चीज़ें मिसकस करूँगे गाइज। तो हमारी इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज, जो कि हम यहाँ पर बीच में बार प्रोवाइड करते कर्टेलमेंट बार, उसका जो भी आप रीज़न जानते हो क्या, क्या क्यों प्रोवाइड करते हो आप यहाँ पर बार, यहाँ पर टॉप में क्यों बार प्रोवाइड करते हो, ये होता है हमारा टेंशन साइड और कॉम्प्रेशन साइड गाइज, ये वाला टेंशन साइड और ऊपर होगा हमारा कॉम्प्रेशन साइड, यहाँ पर ये वाला हमारा टेंशन साइड, नीचे होगा हमारा कॉम्प्रेशन साइड,
ये पूरा मैटर है गाइस, पूरा आपको जानने के लिए हम आने वाले वीडियोस इसके ऊपर ही लाएंगे गाइस, टेंशन कंप्रेशन हॉगिंग मोमेंट और सैगिंग मोमेंट के बारे में। अगर इसका टेंशन साइड देखोगे तो ये हमारा टेंशन साइड है जहाँ पर हम स्ट्रेट बार ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, और ये हमारा ऊपर वाला कॉम्प्रेंस साइड है जो कि हम सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट के बारे में देखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा वही सारी चीज़ें। यहाँ पर हर एक कंसेप्ट आपके लिए पता होना चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है। हर एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, सेंटेंस टेंशन साइड कॉम्प्रेशन साइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कंसेप्ट है हमारा टेंशन साइड कॉम्प्रेशन साइड और जो भी हॉगिंग सैगिंग मोमेंट है हमारा, अगर आप देखोगे यहाँ पर सैगिंग मोमेंट के बारे में, तो ये हमारा पूरा कंडीशन ऐसे रहता है गाइस। यहाँ पर आप ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ फिर यहाँ फिर ऐसे, ये हमारा पूरा ड्राइंग होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यह हमारा हॉगिंग मोमेंट है, ओके। उसके बाद ऊपर जो सेक्शन है वो हमारा सैगिंग मोमेंट है, सपोर्ट जोन के आसपास ये कॉलम का सपोर्ट है। यहाँ पर फिर सैगिंग मोमेंट है और उसके बाद हॉगिंग। ये हमारा टेक्निक है गाइस, जो कि आपको आपने बुक्स में पढ़ा होगा। फिर उसके बाद सैगिंग मोमेंट है, यहाँ पर हमारा ऊपर जो है यहाँ पर टेंशन साइड कॉम्प्रेशन साइड ऊपर के जोन में, यहाँ पर फिर टेंशन। ये आप सैगिंग और हॉगिंग मोमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गाइस, जिसके ऊपर मैं ज़रूर आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। आपने ऑब्जर्व किया कि बीम में आपके लिए बॉटम में यहाँ कर्टलमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंशन साइड है, टेंशन में स्टील ज़्यादा होना चाहिए, और ऊपर वाली कॉम्प्रेंस साइड में यहाँ पर स्टील कम होगा हमारा स्टेट में। अगर आपने यहाँ पर सपोर्ट के जोन में एक्स्ट्रा राइट और एक्स्ट्रा रेप सपोर्ट L/4 यहाँ पर भी सपोर्ट है हमारा, ये वाला पूरा सेक्शन ऐसा ऐसा बाहर आता है हमारा, और ऊपर हमारा टेंशन साइड है, ओके, जो कि आप टेंशन साइड है, इसलिए आपको यहाँ पर कॉम्प्रेंस साइड है, ऊपर टेंशन है, इसलिए यहाँ पर बार कम है, यहाँ पर बार ज़्यादा लेने हैं आपको, इसलिए इसका क्वांटिटी कम ज़्यादा होता है। और यहाँ पर हमारा जीरो बेंडिंग मोमेंट है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट जीरो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर भी कहा जाता है वहाँ पर। जीरो बेंडिंग मोमेंट यानी कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो, यहाँ पर आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, यानी कि आपने बुक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, ये पूरा हमारा बेंडिंग मोमेंट जहाँ पर जीरो होती है यहाँ पर का सेक्शन है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक, जो भी हमारे कर्टलमेंट बार है वहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर का जीरो बेंडिंग है, इसलिए आपको यहाँ पर सेक्शन देगा। कई बार आपको डिज़ाइन में यहाँ पर ऐसा करके ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा ऐसा बार भी कई बार दिखाई देगा, तो यही सेम पैटर्न है गाइस, यही वाला कंडीशन और वो वाला कंडीशन सेम रहता है। तो एज अ साइट इंजीनियर ये चीज़ें आपको अगर मालूम नहीं थी, फर्स्ट बार सुनी आपने, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो बनता है गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको ये थंब रूल्स कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। और इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, हॉगिंग मोमेंट सैगिंग मोमेंट, उसके बाद टेंशन कॉम्प्रेंस साइड, हमारा जो होता है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड और डबली रेनफोर्स्ड बीम, उसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें गाइज। सिंगली डबली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में आपको डिटेल में वीडियोज़ मिलेगा गाइज। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, और हमारे सिविल डिज़ाइन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया आपको। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। तो गाइज, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अगर आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है आपको पता नहीं है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर जाके ये आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो गाइस, जो कि बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में, और उसका ब्रोकरेज भी 0% है।
जो कि हमारे हर एक ब्रोकर के जो रूल्स है उसके हिसाब से ये ब्रोकर है हमारा अपस्टॉक। तो आप जो आपको ऑफर भी मिलेगी गाइस, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है उसकी तरफ से, और मेरा जो VIP चैनल है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, उसको आप में आपको फ्री में ज्वाइनिंग मिलेगी गाइस। तो लेट मत करो गाइस, क्योंकि ये जो ऑफ स्टॉक का जो डीमेट अकाउंट है ये बस आपको 10 मिनट में मिल जाएगा गाइस। तो गाइस जितना हो सके उतना जल्दी आप मेरे लिंक्स के ऊपर जाके अपना अकाउंट ओपन करो गाइस। वो गाइस आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जिसकी एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक है और जीरोधा है और हमारा नया आया वाला फायर से। इसके ऊपर खास ऑफर्स है गाइस, अगर आप मेरे लिंक के ऊपर जाके ये अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो आपको मिलेगा गाइस हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो भी VIP ग्रुप है उसके ज्वाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी चांस मिलेगा गाइस, जो कि आप मिस नहीं करना चाहोगे गाइस। तो मेरे लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन करना और मुझे मैसेज करना गाइस, और मैं आपको हमारे जो भी VIP ग्रुप है उनके साथ ज्वाइन कर लूँगा गाइस, जो कि बेस्ट है आपके लिए। तो गाइज आप एक सिविल इंजीनियर हो, एक डिप्लोमा इंजीनियर हो, एज अ जॉब करते हो साइट इंजीनियर या फिर डिज़ाइन इंजीनियर या फिर एज अ सीनियर साइट इंजीनियर, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइज, जो कि डिज़ाइन के बारे में, आपने आर्किटेक्चर और RCC ड्राइंग्स के बारे में, उसमें उसके साथ में जो भी आपको थंब रूल्स बताता हूँ गाइस वो आपको साइट पर ज़रूरी काम आएंगे गाइस, यूज़फुल रहेंगे गाइस आपके डेली लाइफ में। तो गाइस इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं गाइस। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस और एक बात, अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट हो या फिर सिविल इंजीनियर हो, ये चैनल आप ही के लिए है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि ऑटोकैड हो, ईटैब हो, स्टैड प्रो हो, हमारा 3DS Max हो, वीरे हो, या फिर RCDC जो कि VBS के रिगार्डिंग है, या फिर शैप हो जो कि हमारे RCC डिज़ाइन या फिर स्टील डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर हो, उसके बारे में मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर किया है गाइस। आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो गाइस ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करना और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना गाइस हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।